ऐसे गले में दो बांधे हैं घुंघरू, दोनों तरफ से बजता है डमरू। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ मेरी वाली। अरे मम्मी चक्कर क्यों लगा रहे हो? अरे चिंटू क्या बताऊं, जब मैंने मिस कॉल दिया था उसका अभी तक जवाब नहीं आया। आएगा भी नहीं। क्यों? हाँ पर क्यों? आप फोन करोगे तभी तो उनको एक मिनट का 40 रुपया मिलेगा। ए मारी भाई, मतलब इनाम जीतने के लिए फोन करना ही पड़ेगा। जल्दी कीजिए क्योंकि एक कॉल आपकी जिंदगी बदल सकता है। जल्दी बताइए कि ये रजनीकांत कौन है? मेरा मतलब है कि ये स्टार कौन है? देख चिंटू ये भी बोल रहा है कि ये रजनीकांत ही है। फोन लगाते हैं। हेलो। हाँ भाई साहब ये रजनीकांत है। जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। जी हाँ ये बिल्कुल रजनीकांत जी है। आप बिल्कुल जीत चुकी है 50,000 रुपए। विशु एकदम सही कह रहा था कि ये लोग बेवकूफ बनाते हैं। कीड़े पड़े इनके और इतने लंबे लंबे कीड़े पड़े अजगर की तरह। जल्दी कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि 50,000 रुपए का इनाम ले जाए कोई और आप यही सोचते रह जाए अरे ये तो मुझे भी पता था कि ये रजनीकांत है। तो सोचे मत, उठाइए फोन कर दीजिए SMS। हमारा नंबर है 420 420। देख चिंटू जिनका नंबर 420 420 होगा वो कितना बड़ा 420 फ्रॉड होगा। इनकी तो हाय लगे मेरी, एक दिन ऐसा आएगा कि इनके घर वाले भी इनको फोन नहीं करेंगे। हेलो ए गडूरे कुतरिया वांद्रिया, ये सब मेरी गालियां है। तूने मेरा बैलेंस शून्य कर दिया, भगवान तेरा भी बैलेंस पूरा शून्य कर देंगे। कल मैं आपको इतना बड़ा नारियल चढ़ाऊंगी और अगर 50,000 का चेक मिल गया तो मैं विशाल को सारी I love you too. इस वक्त कौन आ गया? हाँ भाई ये गाड़ी नंबर 9116 ग्रे कलर, ये गाड़ी आपकी है 50 रुपए लेते लेते। हाँ जी। हाँ आपका नाम क्या है 50 रुपए लेते लेते? आप नाम क्यों पूछ रहे हैं जी? गाड़ी किधर भी पार्क कर देते हो? हाँ 2 दिन हमको खूब परेशान किया तुमने। गाड़ी में बॉम्ब है, फौजी कुत्ते आए, पुलिस ने घेरा, सबने बहुत कोशिश की, तब जाके पता चला तेरी गाड़ी में तो कुछ है ही नहीं, 50 रुपए लेते लेते। अरे जब कुछ था ही नहीं तो जुर्माना किस बात का ले रहे हो 50 रुपए लेते लेते? तू कार किधर भी खड़ी करेगा और कहेगा जुर्माना किस बात का ले रहे हैं? तेरी गाड़ी ने 2 दिन हमारा इतना सर दर्द किया ना भाई, मारा दिल ही जानता है। अच्छा एक काम कर, अब तू 5,000 रुपए दे दे 50 रुपए लेते लेते। 5,000? 5,000 की क्या जरूरत है? आप ऐसा कीजिए कि आप 50 रुपए लेके मामला रफा दफा कीजिए ना। वैसे भी आपका तकिया कलाम है ना, 50 रुपए लेते लेते। शट अप। अब तो 50,000 तुझे देना पड़ेगा पहलवान। नहीं नहीं नहीं, क्या है कि आपका वो पहले वाला ही अच्छा था। 5,000 रुपए मैं निकाल के देता हूँ आपको। पूरे हैं क्या? नोट तेरे असली हैं पहलवान? असली है ना ये सब? आजकल जाली नोट बड़े चले हैं भाई, सब देखना पड़ता है। चल
बढ़िया छोरा है तू। 5,000 रुपए का चूना लग गया विशाल। अरे जा रहा यार, अब दे दे रहा तुम्हें पैसे, चलो निकलो यहां से। विशाल निकलो नहीं, तुम आओ। अरे क्या यार सिमी, इस गाड़ी ने परेशान करके रखा है, इसे लावारिस रास्ते पे छोड़ के आया तो भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। डोंट वरी विशाल लालिंग, डोंट वरी, मैं कोई ना कोई सलूशन जरूर निकालूंगी। वैसे विशाल, मैं ना अभी मार्केट गई थी। हाँ तो? मैंने ना वहां पर एक सेल देखा। हाँ तो? तो वहां पर ना मैंने एक बहुत अच्छा पर्स देखा। तो? वो पर्स ना बहुत ही हाई क्लास ब्रांड का था। तो? और वो सेल में भी है। तो निकालो 5,000 रुपए। निकलो। मैं कबर से ले लेती हूँ। ओके। गाड़ी सचमुच मेरी जान ले ले। छोटी मोटी चीज छोड़ मन्नू और कार ले उड़। कांग्रेस विशाल। सिमी अब हम चैन से जी सकते हैं। यस विशाल, आई लव यू। सिमी विशाल। सिमी विशाल। सिमी विशाल। सिमी विशाल। चलो ना बेडरूम में चलते हैं। हम बेडरूम में ही हैं। और चुपचाप सो जाओ। बाय, गुड नाइट। अरे मैं बेडरूम में चलते हैं, सोने के लिए थोड़ी बोलता हूँ। अरे कमीनों, नालायकों, खालायकों, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ए, कौन हो तुम और हमारे घर के अंदर कैसे हो? तुम हमारे घर में कैसे घुसे? हाँ मैं चोर हूँ, मैं कहीं से भी आ सकता हूँ। अरे लेकिन तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? चोर, 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 चोर! अरे मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया हूँ यार, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूँ। मैंने आज से पहले तुम्हें कभी गाली दी? नहीं। आज से पहले मैंने तुम्हें कभी पीटा? नहीं। आज से पहले मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा किया? अरे नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं किया तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? क्यों किया मेरे भाई? अरे लेकिन हमने तेरे साथ क्या किया? अरे मेरे भाई तुमने ऐसी गाड़ी क्यों रखी जिसपे मेरी नजर गई और मैंने तो चोरी कर ली। और पता है उस गाड़ी को चोरी करने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ? अरे ये पूछोगे क्या क्या नहीं हुआ? ओके, क्या क्या नहीं हुआ? अरे मेरी पूरी जिंदगी की कमाई उस गाड़ी को ठीक कराने और उसे पेट्रोल पिलाने में चले गई मेरे भाई। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अब प्लीज प्लीज तुम ये गाड़ी रख लो, ये गाड़ी रख लो। नो 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 नो, हम ये गाड़ी नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते? प्लीज रख लो ना। देखिए चोर भाई साहब, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, आप रख लो। अरे क्यों नहीं चाहिए प्लीज? देखो इसके बदले कर आप चाहे तो मैं आपको कुछ रुपये भी दे सकता हूँ, लेकिन प्लीज। अरे नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, वहाँ कहाँ जा रहे हो? वहाँ मेरा किचन है, दरवाजा यहाँ है। मैं दरवाजे से आया था। नहीं नहीं। तो फिर मैं दरवाजे से क्यों जाऊंगा? तो कहाँ से जाओगे? ये मैं क्यों बताऊँ? क्योंकि मैं चोर हूँ। गाड़ी चली गई, गाड़ी चली गई, गाड़ी चोर ने भी गाड़ी वापस कर दी। कैसी गाड़ी लाए हो तुम? तुम रख लो। हाय विशाल। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। हेलो। हाय, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। चलो ना कहीं दूर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे। लॉन्ग ड्राइव पे? हाँ अब तो तुमने गाड़ी भी ले ली है ना। चलो ना विशाल, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं ना। मोनिका,
अगर मेरी गाड़ी में हम लॉन्ग ड्राइव पे गए ना तो वापस आते आते हम दोनों बूढ़े हो जाएंगे। क्यों? अरे यार उस घनश्याम ने एकदम खटारा कार बेची है यार मुझे, जो खुद कम चलती है और धक्के मरवाते मरवाते हमें ज्यादा चलवाती है। What? हाँ, उस कार में हॉर्न को छोड़ के सब बचता है। तो अच्छी बात है ना विशाल, लॉन्ग ड्राइव पे चलते है ना, तो क्या हुआ अगर वहां पे गाड़ी खराब हो जाए, उसका हॉर्न नहीं चले, मगर गाड़ी में तुम और मैं और तुम और मैं और तुम, क्या? हाँ, कुची को करेंगे। कुची को? ये कुची को क्या होता है? बहुत सारी बातें। अच्छा, कुची को मतलब बहुत सारी बातें, मैं तो कुछ और ही समझा था यार। चलेंगे चलेंगे, हम लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे और कुची को भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर? ओके, नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ? ओके, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक? नेक्स्ट वीक नहीं तो बच गया। क्या? फोन बच गया। हेलो। हाय विशाल, कहाँ हो तुम? सिमी, मैं इस वक्त बारामुल्ला की घाटी में बैठकर मछलियां पकड़ रहा हूँ। अरे ऑफिस में फोन किया है, ऑफिस के नंबर पे किया है, तो ऑफिस में होगा ना। ओहो, ये सब छोड़ो, पता है तुम्हें एक खुशखबरी देनी है, हमारी कार बिक गई। क्या? अपनी कार बिक गई? यस, हमारी कार बिक गई। क्या बात कर रही हो यार? हाँ, और वो भी पूरे 50,000 में। क्या, 50,000 में? क्या बात है सिमी, ग्रेट हो तुम। तुम तो मेरे साथ रहते रहते दिन ब दिन और इंटेलिजेंट होती जा रही हो। एक्सक्यूज मी, तुम मेरे साथ रह रहे के इंटेलिजेंट हो रहे हो? मैं नहीं, ओके? आई वाज ऑलवेज इंटेलिजेंट। अच्छा, जैसा तुम कहो। वैसे मैं शाम को घर आता हूँ, फिर बातें करते हैं, ओके? गुड आइडिया, लेट्स मीट देन इन द इवनिंग। बाय बाय, सी यू। बाय। बैड न्यूज़ फॉर यू मोनिका, हम नेक्स्ट वीक भी लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जा सकते क्योंकि मेरी कार बिक गई। इस कार को भी अभी बिकना था, मेरी लॉन्ग ड्राइव पर क्या होगा? पता नहीं यार, कौन उल्लू का पट्टा इस गाड़ी को 50,000 रुपए में ले गया। विशु आएंगे तो कार देख के कितना खुश हो जाएंगे, वो तो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। हाँ मम्मी, बंदर तो उछलते ही हैं। अच्छा चिंटू, लेकिन बंदर कहाँ है? अबे मैं तेरी बात कर रहा हूँ। अबे चिंटू के बच्चे, तुझे ना तमीज सिखानी पड़ेगी। लेकिन मैं तेरे से नहीं सीखूंगा। क्यों? अरे जिस टीचर को मैथ्स में खुद जीरो मिलते हैं, वो दूसरों को क्या मैथ्स सिखा पाएगा? हे भगवान, पता नहीं तुम दोनों की दुश्मनी किस जन्म से। रुको, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इसे गोद लिया और मेरे सर पे बिठा दिया है। छोड़िए ना विशु, पता है मैं आपके लिए सारी प्राइस खरीदी है। सारी प्राइस? प्राइस में सारी लेके मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी सारी पहनता हूँ। अरे नहीं नहीं विशु, वो आप वो कौन सा है ना आपका, क्या बोलते हो आप, जो एकदम से आप उछल जाते हो एकदम से। ओह, सरप्राइज। हाँ वही वही, मैंने आपके लिए कार खरीदी है। कार? लेकिन पैसे कहाँ से आए? अरे विशु, पता है वो फोटो वाला शो आ रहा था टीवी में, उसको पहचानना होता है कि कौन सा हीरो है। उसमें मैंने 50,000 रुपए जीत लिए और उस 50,000 से मैंने आपके लिए कार खरीदी। 50,000 में कार? किससे खरीदी तुमने? सिमरन भाई से। वो कार तुमने खरीदी? वो कार मतलब? मतलब कौन सी कार खरीदी तुमने सिमरन भाई से? उन्होंने मुझे सस्ते में दे दी, सिर्फ 50,000 रुपए में। अरे रुक्कू, तुम क्या करते रहती हो यार, वो कार खरीदने से पहले एक बार मुझे पूछना तो चाहिए था ना। अगर मैं आपसे पूछ लेती तो फिर मैं आपको सारी प्राइस कैसे देती? मतलब वो सरप्राइज। रुक्कू, तुम्हारा सरप्राइज हमेशा मेरे लिए शॉक क्यों हो जाता है? क्या बोल रही थी? कुछ नहीं। मतलब कार क्यों नहीं बेचनी थी?
सिमी, मैं कह रहा था कि ऐसे किसी इनोसेंट बेचारी औरत को कार नहीं बेचनी चाहिए ना। तुम्हें कैसे पता कि जिसको मैंने कार बेची है वो बेचारी और इनोसेंट है? हाँ कम ऑन सिमी, कॉमन सेंस है। अब ऐसी खटारा गाड़ी जो खरीदेगी वो तो बेचारी और इनोसेंट ही होगी ना। अच्छा तो तुम कहते हो तो मैं पैसे लौटा देती हूँ। क्या फर्क पड़ता है यार, तुम उसको पैसे दो या वो तुम्हें पैसे दे, दोनों तरफ से नुकसान तो मेरा ही है ना। एक मिनट, दोनों तरफ से नुकसान तुम्हारा कैसे? वो कबीर जी का एक दोहा है, वो दोहा मैं कह रहा था कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, कार ये जो पाए इस तरफ से वो या उस तरफ से, दोनों तरफ से धोखा वही खाए। वाह, ओह माय गॉड, वाह, कबीर जी भी कार के बारे में कितना कुछ जानते थे ना। दोनों तरफ से धोखा वही खाए, हाउ इमोशनल, हाउ सेंसिटिव। एनीवेज विशाल, अब 50,000 रुपए तो आ ही गए हैं ना, तो चलो ना, चलो ना। किधर? पार्टी करने। यू नो व्हाट, सूरदास जी ने कहा है कि जब इंसान के पास पैसे आ जाते हैं तो इंसान को पार्टी करनी चाहिए। एक दोहा भी है, मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी। चलो ना पार्टी। तुम ऐसे चलोगे? ओह नो, ऑफिस के कपड़ों में बिल्कुल नहीं, वो जो मैंने तुम्हारे लिए वो नहीं गुच्ची की पार्टी नहीं। हेलो सा, पहले गाना सुन मेरे से, बढ़िया धमाल वाला। सुना, मैं तो एवई 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 लट गई, मैं तो एवई 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 लट गई। नहीं नहीं, मैं नहीं लूटी, मैं पिक्चर देख के आई, बैंड बाजा बाराती। हाँ तू सुना, तू बहुत पटर पटर बोलती है। में क्या होता है, लड़की लड़के से बोलती है, देखो साहब अगर प्यार करना हो तो बिजनेस मत करो, और लड़का बोलता है बिजनेस करना हो तो प्यार मत करो। फिर भी इन दोनों में प्यार हो गया और उनका बिजनेस चौपट हो गया। किसका बिजनेस चौपट हो गया बहू? हेलो हेलो हेलो, मम्मी जी पता नहीं कोई दूध वाला था, बोले बिल नहीं भरा, पता नहीं कुछ। अरे छोड़ ना, लेकिन एक बात कहूँ, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरी बहू ना एक दिन कमाल करेगी। पता है आज तक हमारे खानदान में किसी लड़की ने कार नहीं खरीदी। थैंक यू मम्मी जी, अब जब कार आ ही गई है तो क्यों ना हम लोग शिरडी चले। वाह क्या बात कही है, इसी बहाने साईं बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे और कार का मुहूर्त भी हो जाएगा। जय बाबा। लो बाबा का नाम लिया और आपका बाबा आ गया। बाबा? सास बहू मिलके कहीं मुझे बाबा बनाने की तो नहीं सोच रहे हो? अरे आपको बाबा नहीं कह रहे, बाबा के पास जाना है। संजू बाबा के पास? अरे बाबा, संजू बाबा नहीं, साईं बाबा के पास। आपको पाप लगेगा, ऐसे नहीं बोलते। साईं बाबा के पास तो संजू बाबा भी जाते हैं। हु? लेकिन जाएंगे कैसे? अपनी कार से। अपनी ये कार से? नहीं नहीं, इस कार से नहीं जा सकते हम। बेटा इधर आ। क्या है माँ? इतना तो बिजी हो गया कि भगवान के दर्शन के लिए तेरे पास